दंगे में जिसको मुसलमान होने का एहसास भी नहीं था ना, उसको मुसलमान होने का एहसास कराया गया था। अब आज भी भाजपा उस चीज को चोट पे चोट देके हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात करती है, और आज इसीलिए हम दोनों ने फिर मैं मीडिया के सामने आके ये दिखा दिया कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। देखिए आज जुल्म जिस पे होता है बोला उसी पे जाएगा। जब आज टारगेट में मुसलमान है, अब मुसलमान मेरे पास कुरान है, गीता, बाइबिल सब है। जब आप किसी भी धर्म को पढ़ोगे तो आप हिंसा और नफरत नहीं कर पाओगे। हिंदू राज बनना ही नहीं है, हमें तो हिंदुस्तान चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र का विरोध करें तभी तो हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम सब एक साथ रहें, लेकिन वो चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बने। अगर हम दोनों को जो भी एक साथ नहीं रहने देखना चाहता वो चला जाए पाकिस्तान। जैसे कुछ लोग हमारे ही भाई इस अंधभक्ति में डूब के 8 साल में इस गलत ट्रैक पे चले गए हैं, जिन्हें हमें लाना है और आ रहे हैं, और 2024 में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। भक्ति एक मिनट में बता दूं, भक्ति उतारी गई है, किसानों ने भक्ति उतारी, अग्निवीरों ने भक्ति उतारी, अभी भक्ति और उतारेंगे। गुल खिले, गुलशन खिले, गुल की बारी है, बिहार में पटक चुके हैं, पूरे देश की बारी है। 24 में जा रहे हैं, और ये हिंदू मुस्लिम एकता के जो पैगाम है जो मैं शुरू से देता आया हूँ, इनको जानते हैं आप, ये मोहम्मद समीर हैं, मेरे बचपन के इलाहाबाद के मित्र, साथ पढ़े हैं, साथ लिखे हैं और साथ चले हैं। क्या इनका साथ हम छोड़ देंगे, क्योंकि सरकार तो 8 साल पहले आई है। क्या आपको लगता है, आपको पता है अयोध्या का दंगा, अयोध्या में जो राम मेथ्याता निकली थी, उस दंगे में जिसको मुसलमान होने का एहसास भी नहीं था ना, उसको मुसलमान होने का एहसास कराया गया था। जिन मस्जिदों में कभी नमाज नहीं होती थी, उस मस्जिद में नमाज कराई गई थी, वो एहसास कराया गया। अब आज भी भाजपा उस चीज़ को चोट पे चोट देके हिंदू मुसलमान को अलग करने की बात करती है, और आज इसीलिए हम दोनों ने फिर मैं मीडिया के सामने आके ये दिखा दिया कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। देशभक्ति तेरे साबित करनी पड़ेगी। किसको देशभक्ति? भाजपा वालों को साबित करवाइए, 52 साल से तिरंगा नहीं फहराया, हमें मत साबित करवाइए। देशभक्ति आरएसएस से साबित करवाइए, देशभक्ति भाजपा से करवाइए। कह रहे आजादी जब से मिली तब से लेकर हमेशा लोकतंत्र नाम है चैनल का, लोकतंत्र के आदि है, पहले लोकतंत्र बचा लो, बाद में आदि की बात कर लेना। लोकतंत्र की आदि तो करवा नहीं पाए, विधायक सरेआम विधायक घटना पे बेच दिए गए, सरेआम विधायक खरीद के बेच दिए गए। जब स्वेच्छा, देखिए लोकतंत्र में स्वेच्छा से होती है, एक खूबसूरती होती, कोई दल किसी भी दल के साथ जाके सरकार बना सकता है। वहाँ विधायक खरीदे नहीं गई, तेजस्वी यादव ने पैसा नहीं दिया, नीतीश कुमार ने पैसा नहीं दिया, लेकिन यहाँ बैग से बैग भर के अमित शाह जी ने कंट्रोल किया था। गुवाहाटी में पुलिस लगाई गई, वहाँ के मुख्यमंत्री का हमें पता ही नहीं है, यहाँ असम बाढ़ में डूबता रहा और वहाँ खेल चलता रहा विधायकों का। गुवाहाटी में खूब बेली डांस हुआ है क्या? चार्टर्ड प्लेन जी बताइए, चार्टर्ड प्लेन विधायकों के लिए क्यों लगाए गए थे, और उनको बंद क्यों किया गया था होटल में, और क्यों नहीं मीडिया वालों के बात करने दी गई थी? क्या देश का चौथा स्तंभ मीडिया उन विधायकों से बात नहीं कर रहा था? बार बार उन्हें घुमाया क्यों जा रहा था, सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से महाराष्ट्र, सूरत से गुवाहाटी? नहीं, एक चीज बता, अच्छा ये मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा ये बताइए, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट गिराई गई तो उखाड़ के फेंक दिया गोदी मीडिया, अब बिहार में गिराया गया तो लोकतंत्र की हत्या, ये दोहरा चरित्र क्यों? अब देखिए ना, आप कह रहे बिहार में सरकार गिराई गई, मीडिया को वहाँ से भी तो गोबक के नारे लगे ना, अंजना ओम कश्यप। देखिए सिस्टर मैं आपको बता दूँ, अंजना ओम कश्यप मेरी बहन है, वो एक महिला है, हम उनको उनका अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर है, आज तक का गोबैक किया गया है, गोदी मीडिया गोबैक नारे लगे हैं, अंजना ओम कश्यप नहीं लगे हैं। और अगर इसे आप कंटेंट, अगर इसे आप कंटेंट देंगी तो आप बताइए कि ये वही अंजना ओम कश्यप है ना, जो जहांगीरपुरी में जब हमसे इंटरव्यू में बात हो रही थी तो एक ये जाली पास ये ग्रिल लगी हुई थी, वहाँ लोगों ने कहा मैं तो हिंदू हूँ, मेरा मकान क्यों तोड़ा, मैं तो हम लोग तो भाईचारे से रहते हैं, इन्होंने माइक हटा लिया था, हमारी जनता की आवाज़ में नहीं पहुंचने दी थी। गुप्ता जी का भी मकान टूटा, ये वहाँ थी, लेकिन ये आवाज मुद्दा नहीं बनाया। मीडिया दिखाए तो आपको दिक्कत ना दिखाए तो 8 साल से मुद्दे, जनता के मुद्दे दिखा कौन रहा है? गोदी मीडिया में कोई नहीं दिखा रहा, खुद पूछते नहीं है, विपक्ष को पूछने देते नहीं है। अच्छा डिबेट का मसला, अच्छा गोदी मीडिया का डिबेट कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको, 4 लोग, एक भाजपा बैठेगा, एक संघ का आदि बैठेगा, और एक विशेषज्ञ बैठेगा, कांग्रेस सपा और एक को बैठा लेते हैं, 30 दिन तो यही लोग बोलते हैं, माइक तक म्यूट किए गए हैं, नबी के सामने जिस दिन बिहार की सरकार गिरी, आप जाइए बायकॉट गोदी मीडिया, बायकॉट गोदी मीडिया, जिस दिन बिहार की सरकार गिरती है नबी के सामने, अच्छा ये बताइए, जब
कि देखिए आज जुल्म जिस पे होता है बोला उसी पे जाएगा। जब आज टारगेट में मुसलमान है, अब मुसलमान मेरे पास कुरान है, गीता, बाइबिल सब है। जब आप किसी भी धर्म को पढ़ोगे तो आप हिंसा और नफरत नहीं कर पाओगे। महाकाल ने शांति का परिचय दिया है। महाकाल लिखते हैं शिव पुराण में कि जग में कोई भूखा हो मुझे कुछ मत चढ़ाना, कुछ मत चढ़ाना, एक लोटा जल मांगते हैं आज भी। और उसी गर्भ गुफा में उसी केदारनाथ की यात्रा मोदी जी ने पैदल कर ली थी, पैदल की और जूता पहन के की। क्या वो हिंदुत्व का अपमान नहीं था? गर्भ गुफा में जहाँ तक आज तक कोई देख ना पाया हो वहाँ पे कैमरा ले जाना, क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं था? जी आप हिंदू धर्म के अपमान की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं जो कांग्रेस ने अभी प्रोटेस्ट किया था काले कपड़े पहनकर, वो इसीलिए किया था काला जादू, काला जादू कि 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था, इसीलिए उस दिन आपने काले कपड़े, काला जादू के तौर देख विरोध करने के लिए काला कपड़ा ही पहना जाता है। और मैं एक चीज बता दूं, हम राम मंदिर का विरोध कोई नहीं करता, राम को जो राम को लाए हैं, जो कहते हैं राम राम को लाए हैं, हम राम राम हमें लाए हैं पहला। अरे सुनिए 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 सुनिए, 5 अगस्त को कर लेते, 6 को करना चाहिए था, 5 अगस्त को महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचारी का विरोध हुआ था और देश के लोकतंत्र का दिन था, कोई धार्मिक दिन नहीं था, देश के लोकतांत्रिक दिन था। और देश के लिए यह बात जरूरी है कि गरीब जनता की मांग क्या है, आप बताइए। राम मंदिर, राम एक मिनट, राम मंदिर में पूर्व विधायक विधायक मेयर जमीन कब्जियाते हुए सॉरी जमीन कब्जियाते हुए पकड़े गए, जमीन कब्जा करते हुए पकड़े गए, क्या मुंह से बात आ गई? चला बुलडोजर और त्यागी, अरे उन्होंने तो बोल दिया ना वो कुछ नहीं था भ्रष्टाचार। देखिए एक चीज बता दे, एक चीज बता दे, ऐसे नहीं हो, बार बार ये मसला उठता आया है, नरेंद्र गिरी की हत्या इलाहाबाद में, इलाहाबाद प्रयागराज में नरेंद्र गिरी की हत्या, ये साफ जाहिर करती है कि राम मंदिर के नाम पे चंदा वसूला गया था, उसमें भारी मात्रा में पैसे वसूले जो गए थे वो लूट के थे, उसमें लूटा गया है पब्लिक को। और राम मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ, 14 जीते, 19 जीते, 22 जीते, अब 24 भी जीत रहा है, लेकिन बेशर्मों में राम मंदिर नहीं बनवाया जा सकता। आप कह रहे हैं हम भाईचारे की बात करेंगे, नरसिंहानंद कह रहे हैं मुसलमानों का बहिष्कार करो, लो कर दिया बहिष्कार, लो कर दिया बहिष्कार, लो आप बताओ कर दिया बहिष्कार, ऐसे बहिष्कार करेंगे हम, ऐसे ही बहिष्कार करेंगे, नरसिंहानंद का बहिष्कार करेंगे, वसीम रिजवी को जो चुम अच्छे बताओ, ओम माई कहते थे वसीम रिजवी को बाइकआउट करो, वसीम रिजवी क्या उनके क्या रिश्तेदार लगते थे क्या, कौन थे, कौन रिश्ता था उनके अंदर उनके उनका उनका घर वापसी कर गए वो। अच्छा ये हम लोग दोस्ती करें तो हम ये बता बता इनके में जाए तो हमारे में जाए, घर वापसी करनी पड़ेगी, कौन, कोई घर वापसी नहीं होगी, घर वापसी करानी है ना तो मुख्तार अब्बास नकवी की कराओ, शहनवाज हुसैन की कराओ, हमारी घर वापसी ना कराओ। वो तो कह रहे हैं बैठे तो उद्योग मंत्री, नीचे आए तो कुछ नहीं, बैठे तो उद्योग मंत्री, नीचे आए तो कुछ नहीं। पंडित जी आपने घर घर तिरंगा का है, आपने डीपी चेंज किया नहीं किया मोबाइल? पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री के साथ उनके हाथ में तिरंगा है, मैंने डीपी लगा दी, घर पे तिरंगा लग चुका है, डीपीओ पे तिरंगा लग चुका है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में तिरंगा लेकर डीपी लग चुकी है। साथी नरसिम्हा सरस्वती जो बाबा हैं कह रहे हैं कि ये जो तिरंगा का जो मुहिम चल रहा है ये भगवा को अपमान करने के लिए है, हर हिंदू के घर पे तो भगवा चाहिए। नरेंद्र मोदी भगवा का अपमान कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भगवा का अपमान कर रहे हैं। मुहिम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू की है, हर घर तिरंगा का नारा आपने ही तो दिया है, तो आप सवाल कीजिए यति नरसिंहानंद को, सवाल करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से। आप एक संतों के संत का विरोध करते हैं। मैं संत, वो संत कैसा है भैया जो पैसा लेके मुसलमान को हिंदू बना लेता है, लूट लूट खा रहा है, हाँ उसके आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ये बताइए हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन महंगाई के बारे में नहीं बोलेंगे, हिंदुत्व की बात कर एक मिनट, हिंदुत्व की बात करेंगे पर अग्निवीरों पे नहीं बोलेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन हाथरस की बेटी के बारे में नहीं बोलेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे लेकिन बेटियों का रेप कर दो इसकी धमकी देंगे मुनि महाराज, कैसे बेशर्म लोग हैं ये, महंगाई नहीं, महंगाई देश में, देश में महंगाई नहीं है, कौन वित्त मंत्री, वित्त मंत्री से पूछिए प्याज का रेट उनको पता नहीं होता है, 20,97,000 करोड़ कोरोना काल में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने इसका ऐलान किया था, वो पैसा कहाँ गया? वित्त मंत्री से कहिए क्या क्या 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीन अच्छा ये था, एक वैक्सीन के चक्कर में एक एक लोगों को खाना मिल रहा है, एक वैक्सीन के चक्कर में आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आपने डीजल बढ़ा दिया, आपने महंगाई बढ़ा दी, आपने नौकरी खत्म, और आपको नया घोटाला और तैयार मिलेगा, देखिएगा आप जाँच कराइएगा,
15 अगस्त के जाने के बाद में ये तिरंगा जो बेचा जा रहा है ना, राष्ट्र ध्वज जो बेचा जा रहा है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा घोटाला आएगा। सबसे आरोप लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा चाइना को ऑर्डर दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा चाइनीज झंडे लगाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अभी भी 35,000 करोड़ का रेल का चक्का बनाने का जो टेंडर दिया गया था विरोध होने करने। और गोदी मीडिया का आज एक पर्दाफाश देखिए कि आप दस जब क्या कहते हैं बिहार में सत्ता गिरती है और 24 घंटे की सत्ता नहीं होती है, उस वक्त में गोदी मीडिया के जो तीनों प्राइम टाइम करते हैं अंजना ओम कश्यप और क्या कहते हैं अवनीश और क्या कहते हैं ये जो जी न्यूज़ वाले और आज तक वाले जो प्राइम टाइम करते हैं 9 बजे, उसमें एक ही आंकड़े बताते हैं। क्या स्क्रिप्ट एक थी? 52% से क्या कहते हैं कुपोषण से क्या कहते हैं बिहार में बच्चे मर गए और उसी से एक मिनट, हमें आतंकवादी कहा जाता है? आई एम इंडियन गवर्नमेंट भैया, ये देखो हमारा पासपोर्ट, हम इसी देश के नागरिक हैं। पासपोर्ट लेके घूमते आज दिखाने की जरूरत पड़ गई है हमें आतंक भाई, हमें कहा गया किसी और देश से आया है, फंडिंग आती है, आतंकवादी है। भारत में अब संतों को भी कहा जाएगा? अरे भैया संतों को कहा, संत अरमान खान नाम है हमारा, बार बार कहा कि मेडिकल जांच करा लो, वसीम की तरह कटा नहीं है हमारा, फिर भी नहीं मानते। आज तो दिखा दिया ना पंडित विजय कुमार शर्मा कि ये मेरा पासपोर्ट है, अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या दे इंडिया में रहने के लिए? और कोई प्रूफ देना है क्या इंडिया में रहने के लिए? तो ऐसे ही बनेगा हिंदू राष्ट्र फिर? अरे हिंदू राष्ट्र बनना ही नहीं है, हमें तो हिंदुस्तान चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र का विरोध करें तभी तो हमारे ऐसा किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम सब एक साथ रहें, लेकिन वो चाह रहे हिंदू राष्ट्र बने। अगर हम दोनों को जो भी एक साथ नहीं रहने देखना चाहता वो चला जाए पाकिस्तान फिर। जैसे कि बच्चा भ्रमित हो जाता ना, आप जानते हैं, सभी परिवार के लोग भी जानते हैं और जिम्मेदार जानते हैं कि बच्चा कभी कभी 2-4 साल 5 साल के लिए एक गलत ट्रैक पर चला जाता है। तो कुछ लोग हमारे ही भाई इस अंधभक्ति में डूब के 8 साल में इस गलत ट्रैक पे चले गए हैं, जिन्हें हमें लाना है और आ रहे हैं, और 2024 में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। भक्ति एक मिनट मैं बता दूं, भक्ति उतारी गई है किसानों ने, भक्ति उतारी अग्निवीरों ने, भक्ति उतारी, अभी भक्ति और उतारेंगे। गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है, बिहार में पटक चुके हैं, पूरे देश की बारी है। 24 में जा रहे हैं।